नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चिंतन है एक ओमकार सतनाम। नानक एक मुसलमान नवाब के घर मेहमान थे। नानक को क्यों हिंदू क्या मुसलमान, जो ज्ञानी है उसके लिए कोई संप्रदाय भी सीमा नहीं है। उस नवाब ने नानक को कहा कि अगर तुम सच ही कहते हो कि न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, तो आज शुक्रवार का दिन है, हमारे साथ नमाज पढ़ने चलो। नानक राजी हो गए, पर उन्होंने कहा कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो हम भी पढ़ेंगे। नवाब ने कहा, यह भी कोई शर्त की बात हुई, हम पढ़ते जा ही रहे थे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, मुसलमान हिंदू सब इकट्ठे हो गए। हिंदुओं में तहलका मच गया। नानक के घर के लोग भी पहुंच गए कि यह क्या कर रहे हो। लोगों को लगा कि नानक मुसलमान होने जा रहे हैं। लोग अपने बस से ही दूसरों को भी तोड़ते हैं। नानक मस्जिद गए, नमाज पढ़ी गई। नवाब बहुत नाराज हुआ, बीच बीच में लौट लौट कर देखता था कि नानक न तो मुझे न नमाज पढ़ी बस खड़े है। जल्दी जल्दी नमाज पूरी की, क्योंकि क्रोध में कहीं नमाज हो सकती है, करके किसी तरह पूरी। नानक पर लोग टूट पड़े और उन्होंने कहा, तुम धोखेबाज हो, कैसे साधु कैसा संत, तुमने वचन दिया नमाज पढ़ने का और तुमने की नहीं। नानक ने कहा, वचन दिया था सर आप भूल गए, कहा था कि अगर आप नमाज पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, आप नहीं पढ़ी तो मैं कैसा पढ़ता। नवाब ने कहा, क्या कर रहे हो, होश में हो, इतने लोग गवाह है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। नानक ने कहा, इनकी गवाही में नहीं मानता, क्योंकि मैं आपको देख रहा था कि भीतर क्या चल रहा है, आप काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। नवाब थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि खरीद वह घोड़े ही रहा था, उसका अच्छे से अच्छा घोड़ा मर गया था उसी दिन सुबह, वह उसी की पीड़ा से बड़ा था। नमाज क्यों खा, वह यही सोच रहा था कि कैसे काबुल जाओ, कैसे बढ़िया घोड़ा खरीदू, क्योंकि वह घोड़ा बड़ी शान थी, इज्जत थी। और नानक ने कहा, यह जो मौलवी है तुम्हारा जो पढ़वा रहा था नमाज, यह खेत में अपनी फसल काट रहा था, और यह बात सच थी। मौलवी ने भी कहा कि बात तो यह सच है, फसल पक गई है और काटने का दिन आ गया है, गांव में मजदूर नहीं मिल रहे और चिंता मन पर सवार है। तो नानक ने कहा, अब तुम बोलो, तुमने नमाज पढ़ी जो मैं साथ दूं, एक ओमकार सतनाम, आज का दिन सफल हो, सफल हो, सफल हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।